पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हेलमेट ना होने पर चालान काटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। चौकी इंचार्ज पर भाजपा नेता का 1,000 रुपए का जबरन चालान काटने के साथ ही अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। दर्जनों महिला पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौकी के आगे सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौकी इंचार्ज लाजपत नगर प्रबुद्ध कुमार पर भाजपा नेता से अभद्रता का आरोप लगाया गया। भाजपा नेता का आरोप है कि पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता का हेलमेट चोरी हो गया था, वो वापस अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस ने जबरन चालान काट दिया। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष। तो अभी आप धरने पे बैठे थे चौकी के बाहर, क्या आश्वासन मिला पुलिस की ओर से? उन्हें चौकी इंचार्ज महोदय को निलंबित करने का, दानाजर करने का कुछ बात दी है? अभी कंफर्म नहीं है निलंबित किया जाएगा। हमने जो मांग हमसे पूछा गया था, हमने लिख के दे दिया, तो अब तक कार्रवाई का इंतजार है। तो अब आपका धरना खत्म होगा? यस। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।